केजरीवाल भाषण देंगे नहीं लोगों दसा एयरपोर्ट तक जाती है लेकिन सरकार की बस एयरपोर्ट तक नहीं जा मुख्यमंत्री हो मैं बिना परमिट तो सरकार की बस भी चला सकता है किड़े नॉर्म की गल कर रहे सरकार ने सरकार की बस इंपाउंड कर बनाता 650 किसान मर गया ये हुण किसानों को बिना एक नवा पंजाब उसारन की गल कर रहे हैं 650 किसान मर गया पंजाब सरकार किसानी संघर्ष दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ी है पीड़ित परिवारों का दर्द वंडाउंदे हुए उन्हां नूं प्रति परिवार 5 लाख रुपए दिते गए हैं अते परिवार के एक मेंबर नूं योग्यता के आधार से सरकारी नौकरी दिती जा रही है पंजाब सरकार किसानों नाल हर 15 दिन बाद मैं डिपो की सफाई अभियान शुरू किया है हर बस स्टैंड से जाने ये तो पहला लुधियाना अमृतसर और आज बठिंडा तो देख रहे हैं कि निरंतर सफाई जी मुहिम चलती रही ये कोई ये नहीं कि 15 दिन बाद सफाई होनी है ये अच्छी संबोलिक मैसेज दें कि 15 दिन बाद तो साढ़े GM अज छुट्टी वाला दिन है तमाम अधिकारी उपलब्ध रहेंगे बस स्टैंड पर निरंतर सफाई होंगी रहे सो मैं अज खुशी हुई अज बठिंडा डिपो चा के काफ़ी जी हालात सुधरे हुए ने पानी की लोगों ने दिक्कत दसी है कुछ होर निक्किया निक्किया दिक्कत दसी है वो मेरा ख्याल GM साहब ने विश्वास दवाया कि असी अगले हफ्ते दे विच ये सारा मुकम्मल सोहना जिवें यूरिनल मैं देखे उत्थे थोड़ा जा घाट सी हालांकि वो म्यूनसिपल कारपोरेशन दे पर मैं आख्या म्यूनसिपल कारपोरेशन नूं छड्डो असी आप ही उन्हूं वधिया ठीक कर लाँगे जरा बाहर रंग रूंग होने का सफाई होने की सो इस मुहिम के तहत अज मैं केजरीवाल भाषण देंगे नहीं उन्होंने लोगों बसा एयरपोर्ट तक जाती है लेकिन सरकार की बस एयरपोर्ट तक नहीं जाती राजस्थान बस आती है सानू बड़ी खुशी है कि राजस्थान सरकार की बस राजस्थान सरकार मतलब लोगों की बस है PRTC आम लोगों की जनता की बस है जी की गल कर दी अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होवां तो मैं बिना परमिट तो सरकार की बस भी चला सकता है किड़े नॉर्म की गल कर दी सरकार की चल रही है ना कि राजीव बिल्डिंग की चल रही है सो जे वो पंजाब को प्यार करते मैं 20 दिन हो गए चिट्ठी लिखी लेकिन चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है मैं केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिखी वो कहने साडे नहीं मोस्ट वेलकम असं थोड़ा एग्रीमेंट रीन्यू करते हैं मैं ट्विटर पर पाया लेकिन दिल्ली सरकार को गुजारिश करो दिल्ली सरकार ने सरकार की बस इंपाउंड कर देखो नाराज की सरकार की बस भी कोई इंपाउंड करता होगा
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਸਮੀ ਬਰਸਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। अंग्रेज सरकार भी इन्होंने बेहतर कहलाती उदो भी कोई आवाज सुनाई दिता सुनता सी भी पांच बंदे का मुफ्त मिलता हुंदा सी। लेकिन अज औरंगजेब नूं लोगों ने भुलाता अज अंग्रेज सरकार नूं चंगा घुमाता भाजपा की सरकार ने कि बिना किसानों तो एक नवा पंजाब बनाउणा दा समझौता कर रहे ने भाजपा नाल। ते मैं तां पहले दिन कहा कि कैप्टन साहब कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर ने बादलां नाल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया नहीं 54 लाख रुपए का मुनाफा 4.5 साल पहला हो जाना चाहिए सी। अज जो मैं काम करदा पहला हो जाना चाहिए सी। दोबाल ने सरकार चलाई ये मन दे विच पहला सी कैप्टन साहब दे कि मैं 50 साल बाद मैं सरकार दे नवी सरकार असी बनावांगे छड़ के ते मुड़ के भाजपा नाल यूज करांगे। ब्रिंग साहब हरसिमरत ने बयान दा बस चेक कीती है बस प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने 2 बारी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर रह गई है केंद्रीय मंत्री तो डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर रह गया है हरसिमरत का भरा रह गया मजीठा मंत्री रह गया जवाई रह गया। अगर उन्होंने दिल हैगा तो किसी आम व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री अनाउंस कर के कहन कि अगर अकाली दल की सरकार आएगी तो साडा मुख्यमंत्री का चेहरा बादल परिवार चो नहीं किसी होर चो होगा। दिल हैगा हरसिमरत कौर बादल तो बड़ा कुछ कहती है तो बहुत कुछ कहती है पार्टी ने फैसला लेना है ये मेरे और अख्तियार की गल नहीं है जो पार्टी फैसला करूगी पार्टी का फैसला। एक सवाल है जी साढ़िया 4 महीने तो जिनका सवारियां थी उन्होंने पैसा खड़ा होया पीआरटीसी कोई गल नहीं सरकार का पैसा है जी सरकार का पैसा खड़ा है जल्दी बिल्कुल जल्दी मैं और काम कर रहे हैं जल्दी रिलीज करा देंगे सरकार का पैसा सरकार के अदारे होना है तनखावा बिल्कुल लोगों ने ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 842 ਬੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 842 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-400